अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार पर पुलिस तुरंत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करे। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने जिला परिषद सभागार कुल्लू में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग के द्वारा जो है आयोजित की गई थी, जिसमें हमने यहाँ के जिला के सभी अधिकारियों को साथ में चुने हुए जो अनुसूचित जाति के प्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो सांसद है, विधायक है या पीआरआईज के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और साथ ही साथ जो अग्रणी तौर से जो है अनुसूचित जाति की जो विभिन्न समुदाय में जो कार्यरत हैं नेता लोग या संगठन, उनको भी आमंत्रित किया था, तो उस पर चर्चा हुई है। बेसिकली ये कमीशन जो है अभी गठित हुआ था अगस्त 2021 में, तब से हमने जिला स्तर की बैठकों का आयोजन शुरू किया है, और इसमें हम दो तीन चीज़ों पर जो है विशेष ध्यान दे रहे हैं। एक तो जो सामाजिक आर्थिक जो हमारा या शैक्षिक या राजनीतिक स्तर जो है उस जिला में अनुसूचित जाति दलित वर्ग का ठीक है कि नहीं है, किस तरह से वहाँ की जो एट्रोसिटीज़ हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रही है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह का जो है वो काम ले रहा है, खास करके जो हमारा लॉ को देखने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाला विभाग पुलिस है, तो इस तरह का हमने ये देखा। और एक शिक्षा के क्षेत्र में बैंक्स जो हैं वो एजुकेशन लोन ठीक तरह से दे रहे कि नहीं दे रहे, मुझे आज यहाँ पर खेद से कहना पड़ रहा है कि जितने भी हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं यहाँ पर, तो फिर भी एक बैंक ने एजुकेशन लोन जो है वो दलित समुदाय के शिक्षार्थी को दिया है, परंतु मोर और लेस ये देखा गया कि जितने प्राइवेट बैंक्स हैं वो इस तरफ को अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं। तो हमने डीसी साहब को भी कहा है कि कम से कम हर साल एक जो केस है कम से कम वो एजुकेशन लोन का प्राइवेट बैंक जो है वो अडॉप्ट करे, उसको एक तो कम से कम होना ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ताकि उनको उसका बेनिफिट मिल सके। बाकी SC DP की जो प्लान है शेड्यूल कास्ट के लिए जो केंद्र से पैसा आता है, या जो योजनाएं प्रदेश सरकार की हैं वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, एग्जीक्यूशन उसका प्रॉपर हो रहा है, पैसा 100% लग रहा है नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर भी हमने बड़ी गहराई से चर्चा की है, देखा है, और विभिन्न संस्थाओं के कुछ शिकायतें भी हमने दर्ज की हैं, और उनके जो है वो आइडियाज़ भी लिए हैं कि भी क्या क्या आप चाहते हैं। अधिकारियों से भी हमने कहा कि आप इतना ज़रूर बताएं जो आप विभिन्न विभागों में SC DP की जो योजनाएं आई उसमें कहीं कमियां हैं तो वो भी आप ज़रूर दें। तो इतना के हमने यहाँ पर आज ये आयोजन किया है। मैं यहाँ का जिला का प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो उन्होंने आज इसका आयोजन अच्छा किया है। मेरे साथ यहां के सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।